नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक ज़रूर करना है गाइज, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, क्या चल रहा है। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स। गाइस, कोई चिंता है इस इंसान को, कोई ऐसी परेशानी है जो आपके पर्सन उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई गॉसिप चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, या आपके पार्टनर के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, ऐसे हो सकते हैं। कोई जलने वाले आपके आसपास हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता सही से बने। आपके पर्सन किसी के बारे में कुछ इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन को रात को नींद भी नहीं आती है, और कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे, कोई गॉसिप कर रहा हो, कोई इस इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आप दोनों के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, कोई तो ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर आपके पर्सन बड़े चिंतित हो रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जब मुलाकात हुई, वो पुरानी यादों को आपके पर्सन बार बार याद किए जा रहे हैं। मे बी कोई टेडी गिफ्ट किया था आपने, हो सकता है, या आपके पार्टनर ने आपको कोई टेडी गिफ्ट किया था, ऐसे कुछ गिफ्ट दिया हो एक दूसरे को आपने, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं, और जितनी ज़्यादा पुरानी यादें इस इंसान को आती हैं, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही है। मतलब पुरानी यादें इस इंसान को जैसे कि जीने नहीं दे रही हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में दिखाई दे रहे कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपके पार्टनर आपको सोलमेट मानते हैं गाइस। ये जो रिश्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है, ऐसा उनको लगता है। आप जैसे कि उनको किस्मत से मिले हो, ऐसा लगता है भगवान को प्रे कर रहे हो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ये रिश्ता सही से चले, इसके लिए बार बार भगवान को प्रे भी कर रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में कि वो जाने अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इंसान को मैनिफेस्टेशन क्या होता है ये शायद पता भी नहीं है, फिर भी वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि जाने अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, आपके पर्सन चाहता है कि सब कुछ चेंज हो जाए, अचानक से चीज़ें बदल जाए, क्योंकि आपके पार्टनर खुद अब इस रिश्ते में दूरियां नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है, सोलमेट में भी इस इंसान ने कोई सोलमेट के बारे में कुछ कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, तो ऐसी जो एनर्जी है आपके पर्सन को अट्रैक्शन भी हो रहा है। इस इंसान के लिए आप एक चुंबक की तरह काम करते हो। ये इंसान चाहे आपके बारे में कितना भी सोचना बंद करने की कोशिश करे, अवॉइड करने की कोशिश करे, वो कितना भी ऐसा सोचे कि उनको अब आपके बारे में याद नहीं करना है, आपको मिस नहीं करना है, फिर भी ये इंसान आपको मिस करना छोड़ता नहीं है। मतलब ये जैसे कि एक एडिक्शन सा लगा है, पुरानी यादों में खोया है आपका पर्सन, और आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। और हो सकता है कि पहले आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बहुत ज़्यादा, किसी किसी के लिए इंसान बहुत शातिर दिमाग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, राशि यहाँ पर एक्वेरियस हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, और देखते हैं नंबर 1 खास हो सकता है, नंबर 6, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा एग्रेसिव, ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया हो, से में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए हो। अभी इस वक्त की एनर्जी अगर आपके पर्सन की देखी जाए तो ये इंसान आपके तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं,
और हो सकता है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है। गुस्सा हो सकता है इस इंसान के अंदर। अगर इस इंसान ने कुछ झूठ भी बोला है तो आपके पर्सन सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस। राशि लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन मतलब इस कदर एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है कि अब चाहे जो हो जाए। अगर इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है ना, तो वो होता है ना कैसे गीता पे हाथ रख के वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसे वाले एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं कि अगर इसने झूठ बोला है तो वो अब आपको बताएंगे कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो कोई मजबूरी रही होगी, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो इस रिश्ते के लिए बोला है। जो कुछ भी हालात रही हो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन आपके सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अब उस इंसान से आपसे दूर रहा नहीं जा रहा है। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, अब आपके पार्टनर से ना पेशेंस हो रहा है ना इंतज़ार हो रहा है, और वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, उनको बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा है और कुछ बातें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हम सारे के सारे कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, मतलब कुछ क्लैरिटी, हमेशा ही लैक ऑफ क्लैरिटी रही है और इसकी वजह से इंसान हमेशा परेशान रहा है। नंबर 7 खास हो सकता है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो। किसी किसी के लिए ये रिजल्ट होगा कि आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और इस वजह से भी इंसान कन्फ्यूज़ है, इस वजह से भी इंसान बड़ा द्विधा परिस्थिति में है, नींद नहीं आती है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हो, चाहे करियर हो चाहे परिवार हो। ऐसी भी कुछ एनर्जी है कि आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इंसान कन्फ्यूज है और कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, ऐसा हो सकता है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। आपके पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए कि वो पुरानी बातें तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान को जो यादें हैं वो परेशान कर रही है, इस इंसान को अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, वो भी जल्द से जल्द। आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, आपके पर्सन भी अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अभी इस वक्त भी आपके पर्सन पिछली जो बातें हैं जब आप दोनों मिले थे कि कोई रेड कलर के ड्रेस में, कोई गोल्डन कलर के ड्रेस में, कोई ऐसी फ़ोटो हो सकते हैं इनके पास जिसको बार बार देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक चुंबक की तरह आप काम कर रहे हो, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन और पुरानी यादों में भी बहुत खो रहे हैं ये इंसान। देखो, ईगो तो है भाई आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ईगो है। मैंने पहले बोला कि इंसान बहुत दिमाग से सोचता था, बहुत प्रैक्टिकल था, इसने हमेशा ईगो को दिखाया है इस रिश्ते में। ईगो इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। इस इंसान का ईगो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा असर करता है। अभी भी आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ, फिर भी इसका ईगो इसको रोकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को कि वो कितना ज़्यादा ईगो दिखाता रहा, कितना घमंड करता रहा, जो कि बिल्कुल इस रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं था। इस इंसान का ईगो, इस इंसान का घमंड क्या करना है, प्यार में कहाँ का घमंड और कहाँ का अहंकार। तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही डिवाइन है और इस रिश्ते में घमंड दिखाकर, इस रिश्ते में अपनी पावर चलाकर कुछ नहीं होगा, जो होगा प्यार से होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन खुद लीड करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इंसान हमेशा ही अड़ियल जैसे बातें करता आया है, वो अपने दिल की बात रखना चाहता है आपके सामने। जो भी इसने झूठ बोला हो, फरेब किया हो, आपके सामने वो बातें रखना चाहता है। यहाँ पर जो आप कप्स की एनर्जी है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी और के वजह से टूटा है, किसी फ्रेंड्स की वजह से, हो सकता है किसी ने कुछ कान भर दिया आपके पार्टनर के। आपके पर्सन पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं गाइस। जो आपके साथ वक्त बिताया था ना इस इंसान ने, वो बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। बॉटम में भी देखो 10 of Cups की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताने के लिए तैयार है ये इंसान। तो ऐसा लगता है कि वो अगर अपनी पूरी लाइफ किसी के साथ बिता सकता है तो वो आप हो, ठीक है।
क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। कैट लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, इनके घर में कोई कैट हो सकती है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की तरफ से कोई कॉल कोई मैसेज रिसीव हो सकता है आपको। इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है, इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है। और क्या है देखते हैं, जस्टिस चाहते हैं। देखो ये हुई ना बात, इस इंसान ने गुस्से में आकर जल्दबाजी में आकर जो गलत डिसीजन लिए हैं, जो आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके ऊपर हमेशा इसने गुस्सा दिलाया, ठीक है, हमेशा गुस्सा किया हो इस इंसान ने, और अब आपका पार्टनर चाहता है जस्टिस। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो उसको ये रियलाइज़ हो रहा है और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या इनजस्टिस हुआ है, क्या जस्टिस होना ज़रूरी है, ये बातें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। आपके एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त आपके दिल का हाल क्या है। एक कार्ड निकालेंगे आपके दिल का हाल जानने के लिए, क्या है इस वक्त आपके दिल का हाल। ये है आपके दिल का हाल, आप चेंज चाहते हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप परेशान हो चुके हो, जो हालात चल रहे हैं इस रिश्ते में, जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग चाहते हो कि ये दूरियाँ ख़त्म हो जाए। मे बी कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, जो भी लोग यहाँ पर ऐसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास ट्रैवल करके आए, या आप खुद जाना चाहते हो ट्रैवल करके उससे मिलने। जो लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो, हो सकता है आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आई है, इमोशनली डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि आप चाहते हो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना। अब आपसे ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब आपसे संसार से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वक्त मुझे आपका हाल बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है, इस कदर आप परेशान हो, और मैं भी इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। मतलब जो ये वक्त है, जो घड़ी है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो। जो हालात है आपके रिश्ते के, आप बदलना चाहते हो। ये आपकी एनर्जी है कि अब आप उस अटकाव में नहीं रहना चाहते, अब उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आप खुद रेडी हो और आप चाहते हो कि इंसान भी आगे बढ़े। आप इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि इंसान आपके पास आए और जो उसने गलत किया आपके साथ, जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, आप चाहते हो कि ये आपको जस्टिस दे। क्रिएटिविटी है यहाँ पर, आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, या आप में गजब की क्रिएटिविटी है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। आपने हमेशा इस इंसान की इतनी ज़्यादा केयर की है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उसी कदर आपने इस इंसान की हमेशा केयर की, लेकिन बदले में आपके साथ इनजस्टिस ही हुआ है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर हमें आया है। आपके पर्सन खुद जानते हैं इस बात को, वो खुद मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हो। आपको इस एनर्जी में आना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप चाहते हो चेंज, आप चाहते हो बदलाव। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो वो सॉल्व होने वाले हैं। शादी का सवाल है, शादी करना चाहते हो तो यस, यहाँ पर यस आंसर है। किसी किसी के लिए घर में अगर आप शादीशुदा हो तो बेबी भी आ सकता है। शादीशुदा होकर भी एक दूसरे से दूर हो तो आप एक दूसरे के पास आने वाले हो, आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके जीवन में आने वाला है, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके जीवन में आएंगे और आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मे बी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बहुत चेंजेस का सामना कर रहे हो, बहुत बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी है। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। कुछ विधा परिस्थिति है आपकी, कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या कोई डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ये इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। गाइस द्विधा परिस्थिति हो रही है आपको, तो थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो, क्या सही है क्या गलत है। एक कार्ड में उछल कर मिला है और प्रोजेक्शन, डेफिनेटली लैक ऑफ क्लैरिटी है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको खुद कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आप
कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर देते हो। हो सकता है कि अगर इस इंसान ने आपको ब्लेम किया तो आप भी उसको ब्लेम करते हो। किसी किसी के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। मे बी आपका परिवार, आपका करियर, एक तरफ आपका पार्टनर, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन में आप पड़े हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। और जो एनर्जी यहाँ पर है, इमोशनल पर्सन आप बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी आपने इमोशंस में बहकर बहुत गलत डिसीजन लिए हैं और बॉटम में देखो क्या एनर्जी है। यही तो हाल हुआ है आपका। इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो भी निगेटिव। जितना ज़्यादा निगेटिव सोचोगे बस उसी एनर्जी में रहोगे। कोशिश करना है आपको उस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की, कोशिश करना है आपको पॉजिटिव सोचने की, जो आप नहीं कर पा रहे हो। और जितना ज़्यादा आप निगेटिव सोच रहे हो उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ भी आपके हालात है, अगर आप उसमें निगेटिव ही सोचते रहोगे तो फिर कैसे होगा? आपको अपनी सोच को बदलना होगा, पॉजिटिविटी में आना होगा। किसी किसी के लिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जो हमेशा आपके दिमाग में गलत बातें भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बता रहे कि तुम ये कर नहीं सकते, तुमसे ये होगा नहीं। तो ऐसे लोगों के बातों में आपको नहीं आना है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो जिन्होंने खुद तो कुछ लाइफ में किया नहीं है, लेकिन वो आपको सलाह दे रहे हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, और वो खुद कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों की सलाह आपको नहीं सुननी है, ऐसे लोगों के बातों में आपको नहीं आना है। आप खुद जानते हो कि आपके जीवन में आपको क्या करना है और उसी के ऊपर आपको डिसीजन भी लेना है। तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।